दोस्तों कैसे हो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SP Tag 1M में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जैसे तो आपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट आपका खुला हुआ है और उसका ATM आपके पास आपके फ़ोन पर ऑनलाइन के जरिए आ चुका है, दोस्तों आप उसका पिन बनाना चाहते हो तो उसका पिन कैसे बनाएं, ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि दोस्तों यहाँ पर अपना ATM का पिन आप कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपके पहले से ही डाउनलोड है, तो दोस्तों आप उसको ओपन कर लेना। ओपन करने में दोस्तों अपना यहाँ मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपना एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करते हैं। ओपन करने में दोस्तों आपको आगे हम बताते हैं इसका प्रोसेस कि आप अपने ATM का पिन कैसे बनाएं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपना एयरटेल थैंक्स ऐप यहाँ पर ओपन करते हैं। तो दोस्तों जो एयरटेल थैंक्स ऐप है यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना नंबर पहले से ही रजिस्टर कर रखा, तो दोस्तों इसलिए मेरे डायरेक्ट इस प्रकार खुल जाएगा। दोस्तों जैसे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। होने वस्तु तो यहाँ पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। आने वस्तु तो यहाँ पर सबसे पे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। करने वस्तु तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर, जिसके जरिए आप नंबर QR कोड जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दोस्तों आपको प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे जो आपको प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है यहाँ पर इसको आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों ये बैंक एक प्रोफाइल दिख रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया है। करने के दोस्तों आपके सामने कुछ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। होने वाले दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने वाले दोस्तों यहाँ पर मेरे ATM यहाँ पर ऑनलाइन जरिए आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने वाले दोस्तों यहाँ पर आपको पिन डालना है, जो आपका फ़ोन पे पिन जो आपका पिन होता है 4 अंकों का, वो यहाँ पर डाल देना है। डालने वाले दोस्तों यहाँ पर आपके ATM बिल्कुल खुल चुका है, यहाँ से आप अपना पिन बना सकते हो। जैसे दोस्तों आपका अकाउंट खुल रहा है, आपका अकाउंट नया नया खुला है तो आपके पास ATM अभी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे आपका अकाउंट 1 या 2 महीने हो गए तभी आपका अकाउंट यहाँ पर जो ATM है यहाँ पर जब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर इसे कर लेंगे, 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, डीएक्टिव सेट लिमिट। तो दोस्तों यहाँ पर एक आ रहा है कि सेट कार्ड पिन। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पिन बनाने के लिए सेट कार्ड पिन पे ओके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे जब ही यहाँ से हम अपना पिन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सेट कार्ड पिन पर क्लिक करते हैं। आपने जिस नंबर से आपने एयरटेल पेमेंट बैंक आपका ओपन हुआ उस नंबर पर आपको एक 1-टाइम पासवर्ड OTP आएगा। जो OTP आएगा दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिर आपको सबमिट कर देना। चलिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर OTP आ चुका है, हम उससे सबमिट करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे OTP आ चुका है, OTP पर सबमिट करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने OTP डाला है। OTP दोस्तों यहाँ पर सिंगल है, हम इसको दोबारा से डालते हैं सही OTP डालने के। दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट सबमिट कर दें। चलिए दोस्तों सबमिट कर दें। दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से 4 अंक का पिन बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अपना पिन नहीं बना सकते हो, और आप एक टाइप का पिन नहीं बना सकते, जैसे कि आप 2-2 इस प्रकार का पिन बनाएं ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि दोस्तों जो अंक दोस्तों हमारे कुछ डिफरेंट होने चाहिए जब ही यहाँ पर आपका ATM पिन बनेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम जो हमारे पेन है हम यहाँ पर डालते हैं, जो पेन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका पेन बनाना चाहते हो वो आपको 4 अंक का पेन डाल देना है, फिर आपको वही पेन आपको नीचे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आपको डन कर देना है। तो दोस्तों ये करने के बावजूद दोस्तों यहाँ पर आपका पेन जो ATM पेन है यहाँ पर आपके सामने पेन ये बिल्कुल बन जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे टर्म एंड कंडीशन को हम बिल्कुल अप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का हम पेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम कुछ अलग टाइप का पिन बनाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम पिन बनाए, पिन बनाने वस्तु तो यहाँ पर हमारा पिन बन जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने जो हमने पिन बनाए वो हैं डाल दिए, इसको इस बार हम डन करते हैं। डन करने के दोस्तों यहाँ पर हमारा पिन बिल्कुल सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर बन चुका है। इस प्रकार दोस्तों आप अपने ATM का पिन बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आई ऐसी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।